मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सभी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते, तो क्यों ये भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बड़ा बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है, इनको आराम से दबा लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना हस्ता, फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ एक दो साल पहले आपको नजम सीठी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। वो करेंगे, आप भी वैसा करें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड तगड़े तरीके से लेना चाहिए, पीछे नहीं हो। कितनी देर तक पीछे रहोगे भाई, कब तक पीछे? सही स्टैंड है, बिल्कुल सही है। इस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड यही है, पीछे बस खत्म, पीछे नहीं हट रहे, खत्म, डटे हुए हैं। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है? आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके। को पता है कि पाकिस्तान हरा देगा इनको। और मैंने आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी, अलग है, मैंने आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी, बायलेटरल सीरीज होती रहेगी, हार जीत होती रहेगी, तो ये जो गर्मा गर्मी है ये मसला ठंडा हो जाएगा। इंडिया में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चलता है उनके यहाँ पे सियासत में, बेसिकली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वोट एंटी इंडिया के नाम पे वोट नहीं लोग लेते, इंडिया में एंटी पाकिस्तान के नाम पे वोट बिकता है। मेरी नजर में जानबूझ के रिलेशन नहीं बनाना चाहते क्रिकेट में, और जिसकी रीजन यही है, इसमें कोई अब दो राय है ही नहीं। पहले तो शायद लोग समझते थे या दूसरी टीमें समझती थी कि पाकिस्तान में आना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। अब तो दुनिया की सबसे टॉप टीम्स भी पाकिस्तान आ गई हैं, उसके बावजूद भी अब आप मना कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, तो ये तो मेरे ख्याल में जानबूझ के ये चीजें हो रही हैं। और अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं, फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ, पाकिस्तानी ने पैसे के खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं। उनके क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये मैंने ऐसी चीजें नहीं सुनी कि जी इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। अब शायद उनके ऊपर प्रेशर है उनका, इस वजह से वो शायद नहीं बोल पाते थे। कि बात ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान आएगा खेलने तो इंडिया से भी लोग ग्राउंड में आएंगे पाकिस्तान में। एक इशू है इंडिया के मामला में कभी, क्योंकि इंडिया का पब्लिकली जो परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान है उनका चलता रहता है, और ये आपका नहीं बहुत अरसे से चलता रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, पिछले 3 महीने में जब से मोदी गवर्नमेंट दोबारा उनको रिलेक्ट किया गया थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनसे आवाज आई है, थोड़ी सॉफ्टनेस की आवाज आई है हाथ बढ़ाने की तरफ से, उनकी तरफ से। आईसीसी को इंडिया पे भी दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलें, और वो बहुत लुक डाउन मैच होगा। ये बात हम करते हैं ना, प्लेयर कोई गेम से बड़ा नहीं, इसी तरह कोई स्पोर्ट्स भी गेम से बड़ी नहीं। हमारे यहाँ भी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एक चेयर में लंबा बैठ जाए कोई जबान, हम भी तो खोले ना सर, असल खामोश बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद एक बार फिर से बीसीसीआई के ऊपर, भारतीय टीम के ऊपर बौखला गई है कि आखिरकार बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं भेजना चाहती है, जबकि यहाँ सब बड़े बड़े देश आ चुके हैं मतलब पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए, जबकि एक भारत है जो पाकिस्तान में नहीं आना चाहता है। इसके ऊपर आईसीसी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मतलब हालात है उसको देखते हुए भारत ने मना किया है पाकिस्तान में नहीं जाने का। और आईसीसी में रूल है कि अगर कोई गवर्नमेंट कहती है कि किसी देश में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो आईसीसी भी उसके ऊपर सेंसर नहीं लगा सकती, उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकती। तो तनवीर अहमद रोता रह जाएगा और बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेजेगी। मैं तो सीधा और क्लियर बात करूंगा, ये मेरी नजर में जानबूझ के रिलेशन नहीं बनाना चाहते क्रिकेट में, और जिसकी रीजन यही है, इसमें कोई अब दो राय है ही नहीं। पहले तो शायद लोग समझते थे या दूसरी टीमें समझती थी कि पाकिस्तान में आना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। अब तो दुनिया की सबसे टॉप टीम्स भी पाकिस्तान आ गई हैं, उसके बावजूद भी अब आप मना कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, तो ये तो मेरे ख्याल में जानबूझ के ये चीजें हो रही हैं। और पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर, कोई भी आवाम ये कहती नहीं है कि इंडिया को यहाँ नहीं आना चाहिए। हर कोई कहता है कि हम चाहते हैं इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में नहीं, पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए।
मेरे ख्याल में उधर से जिस तरह भी उनके क्रिकेटर्स की बात हो रही थी, उनके क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये मैंने ऐसी चीजें नहीं सुनी कि जी इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। अब शायद उनके ऊपर प्रेशर है उनका, इस वजह से वो शायद नहीं बोल पाते थे। कि बात यह है कि जब इंडिया पाकिस्तान आएगा खेलने तो इंडिया से भी लोग ग्राउंड में आएंगे पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान वहां जाएगा तो यहां से भी लोग जाएंगे, ये रिलेशन बढ़ेगा। फिर उसके बाद मीडिया के लोग वहां से इधर आएंगे, यहां से वहां जाएंगे, क्रिकेटर्स इधर से उधर आएंगे, तो आप सोचें कितने लोग आपस में उनका रिलेशन जो है वो बढ़ेगा। और इन लोगों को समझना चाहिए, ये बिला वजह की जिद बना के ना बैठे, इनको समझना चाहिए कि दुनिया में ये क्रिकेट के हिसाब से ये वाहिद दो कंट्री है जब ये ग्राउंड में आती है। हर एक कंट्री का जो बंदा होता है जो और फिलहाल मुझे आपको डिसअपॉइंट करते हुए थोड़ी सी होगी कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, इंडिया ने ना नहीं की, अगर हाँ की इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया ने ना नहीं की और हाँ भी नहीं की। ये जो आंख में चोली ये चलती रहेगी क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मामला में जब पाकिस्तान इंडिया जाना होता है तब भी आपको याद होगा जब वीजा के इशूज थे पिछले साल, इंडिया ने वीजा भी काफी क्लोज आके अपने प्लेयर्स को भी और कुछ जर्नलिस्टों को नहीं भी दिए थे, कुछ को दे भी दिए थे, उनमें एक आप भी शामिल है एग्री पार्टी, वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे के खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना जाए, फिर आप मुझे कहना पाकिस्तानी टीम तो कहती है हमें आईपीएल में भी बुलाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है, ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिलते करे फिर बात है, जैसे हम कर रहे हैं ना आज, वैसे पूरा मुल्क इनकी। बहुत अफसोस है कि इंडिया नहीं आना चाहिए इनको, हम फैन है इंडिया के, कोहली के फैन है, शर्मा के, मैंने जिंदगी में आज तक मैंने कजाफी स्टेडियम का नाम सुना, मैं नहीं गया मैच खेलने, बट मैंने जाना था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कजाफी, मगर वो आते मैच इतना शौक था, लेकिन मैंने भी जाना था, आप नहीं अगर नहीं आने मैं यकीन कर रहा मैंने नहीं जाना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही बातें कर रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान में भारतीय टीम का ऐसे वेलकम करेंगे कि वो कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जब टीम पाकिस्तान की भारत में गई थी 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तब पाकिस्तान टीम का इतना ग्रैंड वेलकम हुआ था हैदराबाद में कि हम सोच नहीं सकते थे, तो हम भी पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों का ग्रैंड वेलकम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें मतलब पाकिस्तान में भारतीय टीम को आना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में जिस तरह का सिक्योरिटी मामले चल रहे हैं उसको देखते हुए भारत ही नहीं बल्कि कई भी और देश हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, और ये पाकिस्तान वाले बार बार कह रहे हैं कि भारतीय टीम को एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर एक बार भारतीय टीम पाकिस्तान में कोई क्रिकेट खेल मतलब खेलने चली गई तो इन पाकिस्तानियों का जो क्रिकेट का मामला है वो खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान में पूरी तरीके से क्रिकेट बहाल हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान इतना भारतीय टीम पे जोर लगा रही है, आईसीसी के ऊपर जोर लगा रही है कि भारतीय टीम को एक बार किसी भी तरीके से पाकिस्तान में खिलवा दें ताकि इनका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि कोई मतलब कोई भी देश पाकिस्तान जाने से मना ना कर सके। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह से मतलब मयार में है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जबकि एशिया कप भी हो रहा था पाकिस्तान में तो जैसा ने साफ साफ कह दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भले ही पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग राइट मिली हुई है हम पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे, और वैसा ही हुआ और भारतीय टीम पाकिस्तान गई भी नहीं और मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।